गरीब स्कूल स्टूडेंट की सफलता। कोमल नाम की एक विधवा औरत रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो गांव के बाहर एक सीमेंट के पाइप में अपना जीवन गुजारती थी। उसका एक बेटा था राहुल। कोमल घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। राहुल को पढ़ने का बहुत ही शौक था। वो हमेशा स्कूल के बाहर सुबह शाम बच्चों को आते जाते देखता रहता था। वो देख कोमल बहुत उदास होती थी और वो अपने मन में सोचती थी, काश मैं भी अपने बच्चे को स्कूल भेज पाती। राहुल का बहुत मन है पढ़ाई में, पर मैं भी क्या करूं, मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं कि मैं उसे स्कूल भेज सकूं। यूं वो उदास होती है। एक दिन कोमल राहुल को अपने साथ काम पर ले जाती है। कोमल राहुल को बिठाकर रसोई में बर्तन मांजने चली जाती है। वो घर उस गांव के जमींदार चमनलाल का था। चमनलाल का एक बेटा था पुनीत। उस दिन पुनीत ने अपनी सारी किताबें जमीन पर फैला रखी थी। ये देख राहुल उन सारी किताबों को इकट्ठा कर उन्हें संभाल कर रख रहा था कि तभी वहाँ पुनीत आता है और राहुल से कहता है, अरे वाह फटीचार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किताबों को छूने की? वो सारी जमीन पर फैली हुई थी तो मैं। बस कर, मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। नौकरानी का बेटा है, नौकरानी का बेटा बनकर रहे। चल जाए यहाँ से फटीचर कहीं का। ये सब पास में खड़ा चमनलाल सुन लेता है। उसे अपने बेटे के बर्ताव पर बहुत ही गुस्सा आता है। पुनीत, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? दिन ब दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। पुनीत गुस्से से वहाँ से चला जाता है। चमनलाल राहुल की ओर देखकर पूछता है, बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, मैं किसी भी स्कूल में नहीं जाता। इतने में कोमल वहाँ आती है और सारी बात चमनलाल को बताती है। देखो, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा, क्या तुम मन लगा कर पढ़ोगे? हाँ, मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा। चमनलाल एक नेक इंसान था। वो राहुल को स्कूल में दाखिला करवाता है, उसे किताबें यूनिफॉर्म सब दिलाता है। राहुल भी खूब मन लगा कर पढ़ता है। वो कभी दिए की रोशनी में पढ़ता तो कभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। यू वो खूब मन लगा कर पढ़ता है। वो पढ़ाई के साथ साथ घरों में अखबार डालने का, दूध डालना जैसे छोटे मोटे काम करके अपनी माँ का हाथ बटाता है। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था। ये देखकर पुनीत मन ही मन जलने लगता है। राहुल अपनी मेहनत और लगन से अपनी 12वीं कक्षा भी पूरी कर लेता है। एक दिन पुनीत राहुल को कॉलेज में आते हुए देख लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फटीचर, आज कल तू मेरे घर नहीं आ रहा है। चल कोई बात नहीं, कल मेरे घर आ जाना। मेरे कुछ पुराने चप्पल और कपड़े पड़े हुए है, उन्हें ले जाना। तुम्हें रोज इन दो जोड़ी कपड़ों में देखकर तंग आ गया हूँ मैं। देखो मुझे जाने दो, क्लास का वक्त हो रहा है। वैसे तुम आगे की पढ़ाई तो नहीं कर पाओगे। तुम एक काम करो, तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ, अच्छी खासी सैलरी दूंगा मैं। देखो पैसों का इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। रही मेरी पढ़ाई की बात, मैं एक बाईपीसी स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल में फ्री सीट पाऊंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। अरे ओ, दिन में सपने देखना बंद कर। हम गरीब अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। राहुल वहाँ से चला जाता है। पुनीत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राहुल मेडिकल में फ्री शिप आने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसके पास ना तो एक अच्छा सा एंड्रॉइड फोन था और ना ही लैपटॉप। वो तो बस किताबी कीड़ा बन गया था। वो घंटों लाइब्रेरी में अपना वक्त बिताता था। ये देख कोमल कहती है, बेटा पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल करो। यूं बिना खाए पिए पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी सेहत का क्या होगा? जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। बस मुझे मेहनत करने दो। मुझे किसी भी तरह मेडिकल में फ्री शीट पाना है और हमारी किस्मत को बदलना है। ये सुन कोमल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल की मेहनत को देख पुनीत अपने मन में सोचता है, अरे ये फटीचर तो खूब मेहनत कर रहा है। लगता है इसे मेडिकल में फ्री शीट मिल ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये फटीचर इम्तिहान ही ना दे सके। यूं पुनीत राहुल को रोकने के प्लान बना रहा था। एक दिन राहुल कॉलेज जा रहा था। ये देख पुनीत अपनी कार से राहुल को धक्का देने का सोचता है और वो तेजी से कार को चलाते हुए आता है। कार का बैलेंस मिस होता है और वो खुद एक पेड़ से टकरा जाता है। ये देख राहुल तुरंत उसके पास जाता है और उसकी मदद करता है। वो उसे अस्पताल ले जाता है।
ये सब देखकर पुनीत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो राहुल से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। अब भी मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर तुमने मेरी ही जान बचाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। यूं वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल को मेडिकल में फ्री शीट मिलती है। कुछ साल बीत जाते हैं, राहुल एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। अब उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। नीति, शिक्षा एक ऐसी देन है जो गरीब को भी अमीर बना सकती है। फ्लाइंग फिश की सच्ची कहानी। भोलापुर नामक गांव में सुंदर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो शहर में लकड़ियां बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन सुंदर जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में पंखों वाली एक मछली चोट खाकर गिरी पड़ी थी। उसे देखकर सुंदर को दया आ गई और उसने उपचार करके एक रुमाल बांधा तो मछली ने उसका धन्यवाद किया। प्यास लगी है, प्यास, प्यास। ये सुनकर अपने पास रखी थैली में से पानी की बोतल निकालकर वो मछली को पिलाता है। इससे मछली उसे धन्यवाद कहती है। अभी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मेरा जख्म भरने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुंदर मछली को अपने घर ले आता है। उसके दो बच्चे मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे खाना खिलाते हैं और हमेशा उससे बातचीत करते रहते हैं। क्या तुम उड़ने वाली मछली हो? हाँ, मैं फ्लाइंग फिश हूँ। क्या तुम सिर्फ पानी में ही उड़ सकती हो या फिर हवा में भी उड़ोगी? कहीं पर भी उड़ सकती हूँ। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। आप दोनों भी बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो, समुद्र में जो सोना छुपा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे डर लगता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है ना। मेरे पंख है ना, तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर मैं ले जाऊंगी। माँ और बापू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह मछली और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद मछली पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो वहां से जाना चाहती है। सुंदर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतने दिनों में आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको कभी भी सहायता चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। सच में आ जाओगी? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए मैं सच में आ जाऊंगी। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी सुंदर, ये दोस्ती का बंधन है, इसीलिए तुरंत ही घुल मिल गए। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। ये बातें सुनकर सुंदर और बच्चों को बहुत रोना आता है और मछली भी रोकर उन्हें गुड बाय कहकर वहां से उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम होने के कारण बहुत ही वर्षा होती है। इस कारण सुंदर जंगल नहीं जा पाता, लकड़ियां नहीं काटता और उसकी कमाई नहीं हो पाती। इससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। बच्चे भूखे रहने लगते हैं। सुंदर बहुत दुखी हो जाता है। बापू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। बाहर बहुत बारिश हो रही है बेटा, क्या करूं? पानी पी लो। बापू, और कितने दिन ऐसे पानी पिएंगे? बेटी की बातें सुनकर सुंदर चुपचाप बैठ जाता है। आप जाकर फ्लाइंग फिश से कुछ खाने के लिए मांग आइए ना। ये गलत है बेटा, इस तरह हमने मांगा तो हमारी सहायता का अर्थ बदल जाएगा। ये बात है बापू। इस तरह बेटी सोच में पड़ जाती है। इतने में फ्लाइंग फिश सुंदर के घर आती है। सभी लोग दुखी होकर बैठे थे। हाय राजकुमारी, तुम आ गई मछली, कहकर रोने लगती है। मछली को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ मेरी राजकुमारी? बहुत भूख लगी है, सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया।
एक सप्ताह से खाना नहीं खाया, लेकिन क्यों? तुम जानती हो ना मछली, बापू जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं, तभी घर में चावल दाल और अन्य सामान आता है। क्या बापू जंगल नहीं जा रहे? नहीं, वर्षा के कारण नहीं जा पा रहे। मैंने कहा था ना सुंदर, मुश्किल समय में मुझे याद करना। सुंदर मौन होकर मछली को देखता रहता है। तुरंत ही फ्लाइंग फिश सभी लोगों को ऊपर बैठाकर हवा में उड़ते हुए समुद्र के पास लेकर जाती है। समुद्र के ऊपर उड़ते रहने से राजकुमारी को बहुत डर लग रहा था। मछली उन्हें धैर्य देते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है। समुद्र के अंदर बहुत सारे फलों के वृक्ष, सब्जियां, अनाज, दाल और बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे चमकते हुए थे। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भूखे होने के कारण बच्ची एक फल तोड़कर खाने लगती है। सुंदर, आज मैं तुम्हारे कारण जीवित हूँ, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले सकते हो। तुम बहुत दानवीर हो, लेकिन बिना मेहनत के मैं कुछ भी नहीं लूंगा। कुछ काम रहा तो बोलो, काम के बदले तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो। सुंदर की बातें सुनकर मछली को सुंदर की ईमानदारी का अंदाजा हो जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसका उदाहरण सुंदर है। ये सोचकर सुंदर के लायक कुछ काम इधर उधर देखती रहती है। तभी मछली को पास ही में पहाड़ के टुकड़े दिखाई देते हैं। मछली सुंदर को उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे रखने को कहती है। सुंदर मान जाता है और उन्हें समुद्र के किनारे रख देता है। इस काम के बदले में मछली एक बड़ी सी पोटली बांधकर उसे देती है, लेकिन सुंदर उसमें से सिर्फ 4 महीने तक गुजारा करने का धन ही लेता है। ऐसा क्यों सुंदर? तुम्हारी सहायता करने के लिए और इस काम के लिए इतना काफी है। ये बातें सुनकर मछली मौन रह जाती है। उन्हें घर पहुंचाकर धन्यवाद कहकर वो चली जाती है। ईमानदारी के साथ ही मेहनत भी रहती है, ये बात आज मेरे समझ में आ गई। इस तरह सोचती रहती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।